देख रहे हो आप पावर देखो मतलब यार सच में ये देखो कितनी लीन कर पा रहे हो देख रहे हो आप। तो ये एक अलग ही कॉन्फिडेंस है यार। कल चैनल मिलता है ब्रेकिंग देखते हैं अब इसकी। अब जहां क्वेश्चन आता है शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आपके पीछे एक ऐसी बाइक है ना जिस पे आप सबकी एक जमाने में ड्रीम बाइक रही होगी और आप सबके इमोशंस जुड़े होंगे। पिछली एक रिव्यू वीडियो तो मैं इस पर लेकर आ गया हूँ। आज एक इसका कोर राइड इंप्रेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यार इस बाइक का इनिशियल पिकअप कैसा है, कैसी क्या चलने में। बिकॉज यार देखो इस बाइक के साथ इतना फैन बेस है ना, तभी बजाज ने इसको रिलॉन्च करा है। तो कोई राइवल्स इसके आते नहीं है डायरेक्ट इंडियन मार्केट में, बट फिर भी कुछ बाइक से कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। इतनी कम प्राइस पॉइंट पे आपको एक हाफ फेयर्ड बाइक मिल रही है, तो कैसा क्या माइलेज रहने वाला है, इन द 2023 आपके लिए राइट चॉइस रहने वाली है कि नहीं, सारी बातें करने वाले हैं। किसकी ये ड्रीम बाइक है एक बार कमेंट में जरूर शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइस, सो चलते हैं यार इस बाइक को राइड करने के लिए। सबसे पहले ग्लव्स में पहन लेता हूँ। प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। E20 OBD2 वेरिएंट है, जैसा कि आप यहाँ पर बैजिंग देख पा रहे होंगे। यार 2007 में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी और आज से लेकर 10 साल पहले देखे ना, जब मेरा भी बचपन ही चल रहा था, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार आने वाले टाइम पर कभी इस बाइक का रिव्यू करने को मिलेगा। बिकॉज यार इतने इमोशंस जुड़े हुए हैं इस बाइक के साथ। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ बाइक्स ऐसी रहती है ना जो कभी किसी कॉम्पिटिटर से कंपेयर नहीं करी जाती। फैन बेस इतना है इस बाइक का। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एग्जॉस्ट हम सुनाता हूं। काफी भारीपन है यार एग्जॉस्ट में। चलते हैं इसको भगा कर देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। सबसे पहले तो यार आपको देखो इसका टॉर्क दिखाता हूं, आप खुद समझ जाओगे। देख रहे हो आप पावर देखो मतलब यार सच में मैं विद पिलियन राइड कर रहा हूँ और एक विली में तो इसकी टोपी पीछे हो गई। कैप लेने हम फिर से जा रहे हैं रिटर्न। पावर तो यार बहुत गजब की है। मतलब गाइज ये वही बाइक है जिससे आज से लेके 8-10 साल पहले सारे राइडर स्टंट करते थे यार, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अब पकड़ के बैठना सारी चीजें। अब चलते हैं गाइज यार इसकी राइड पर। पिलियन भी जो बैठा है ना, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता इस बाइक को, ऐसी पावर इसमें। इनिशियल पिकअप से स्टार्ट करते हैं। माय गॉड गाइस क्या पावर है यार। हालांकि देखो स्पीडोमीटर यहां पर आज बंद है बिकॉज शोरूम की पूरी नई यूनिट लेकर आया हूं, तो सही भी नहीं लगता है इतने किलोमीटर्स में राइड करूंगा। टेस्ट राइड यूनिट तो ये है नहीं। 10,000 आरपीएम तक इतनी रेव हैप्पी हो रही है। सबसे पहले टॉर्क बताता हूँ मैं आपको। देखो अभी लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ गियर पे, ये देखो फोर्थ गियर पे मैं इनिशियल से देखो बिल्कुल भी नॉकिंग नहीं हो रही है। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन स्पेक्स से। 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वॉल्ट ट्विन स्पार्क इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 20.4 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है, 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब ये जो 20.4 पीएस की पावर है एंड 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ये कैसी रियल लाइफ में पावर प्रोवाइड करता है वो हम चेक करेंगे इस रोड पे। सो लेट्स गो टिल 10,000 आरपीएम। क्या ही तो पावर है यार सच में। 10,000 आरपीएम तक रेव हैप्पी ये इंजन है। बहुत मज़ा आता है इसको टॉप आरपीएम्स पे राइड करने के लिए। एंड देख सकते हो अभी मैं लीन करके भी आगे आपको बताऊंगा, बट कंट्रोलिंग आप देख पा रहे होंगे। अब देखो इतनी बढ़िया आपको इसकी पावर मिल रही है, तो माइलेज से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट फिर भी मैं आपको बताऊँ ना, तो सिटी यूज़ में आपको 30-35 दे सकती है, 40 भी दे सकती है, एंड हाईवे पे आपको 45 तक निकाल देगी। बट अगर मैं इसको एकदम आराम से चलाता हूँ, लाइक मैं अगर टॉप गियर में फिफ्थ गियर पे 4000 आरपीएम पे ही चलाऊँ, तो मुझे 50 तक का भी ये माइलेज दे सकती है। वो ओनर टू ओनर वेरी करता है उसकी इंडिविजुअल राइडिंग के ऊपर। अब यहाँ पर आया है टर्न, और टर्न आया है तो आपको इसका लीन करके टेस्ट तो बताना ही पड़ेगा हमें। ये देखो कितनी लीन कर पा रहे हो देख रहे हो आप। तो ये एक अलग ही कॉन्फिडेंस है यार बजाज पल्सर 220F का। वेट की बात कर ले तो 160 केजीज़ का ही वेट है, मतलब भारी तो है यार ये बाइक। 160 केजीज़ मतलब बाकी बाइक के कंपैरिजन में काफ़ी भारी है, वही इसकी मजबूती दर्शाता है। मतलब आज से लेकर 10 साल पुरानी भी ये बाइक देखोगे ना 220F, तो बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया है ना 220 की, तभी ये इतने टाइम से लोगों के डिमांड में है, लोगों को मतलब ड्रीम बाइक बनी हुई है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स की, तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है यार गाइस, बिकॉज अब अगर आप फीचर में देखोगे तो बहुत सारी ऐसी बाइक्स है जो आपको फीचर ओरिएंटेड मिल जाएगी, बहुत सारी ऐसी बाइक्स है जो आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ लाइक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ड्यूल चैनल ABS, USD फोक्स, ज़्यादा पावर स्पेसिफिकेशंस के साथ मिल जाएगी। बट जहाँ इमोशंस एंड फैन बेस की बात आ जाती है, वहाँ राइवल कॉम्पिटिशन कुछ भी नहीं होता, किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते हम इस बाइक को। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइजिंग की। अब प्राइजिंग इतनी अफोर्डेबल रखी गई है, पहले हालांकि जब OBD2 नहीं आया था, रीलॉन्च करने के पहले जब आती थी काफ़ी कम प्राइस थी, बट अभी नए वेरिएंट के बाद इसकी एक्स शोरूम प्राइस हो गई 1,37,000 रुपीज़ एंड ऑन रोड चली जाती है अराउंड 1,64,000 रुपीज़ इंदौर मध्य प्रदेश में। बाकी आप आपकी स्टेट टू स्टेट कंपेयर कर लेना, स्टेट टू स्टेट थोड़ी बहुत वेरी करती है। अभी अगर इसके चलाने का फील देखोगे ना, मतलब देखो यार, मैं मेरी बचपन की यादें भी बता रहा हूँ, बिकॉज ये एकदम कनेक्टिंग वाला रिव्यू रहने वाला है। आप में से बहुत से लोग अगर मुझसे कनेक्ट हो पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब मैं स्कूल एज में था ना, मेरी इस बाइक ने एक अलग ही मार्केट कैप्चर करके रखा था। कपल्स की बात करें, कॉलेज जाने वाले बच्चों की बात करें, हर कोई यार इसी बाइक पे दिखता था, और एक मतलब बोलते थे ना कि यार ये बाइक जिसके पास है वो मतलब एक अलग ही सीन है उसका, तो वो वाली बात थी इस बाइक के साथ। और सच में यार मतलब वो फैन बेस उस टाइम इस बाइक का अलग ही था, और मतलब मुझे ऐसी बाइक लगती थी कि यार जिसका मास्क और सब यहीं है और हैंडल रोटेट करता है सिर्फ, तो मतलब उस टाइम ऐसी बहुत कम बाइक्स थी इंडियन मार्केट में। यहीं से हम यू टर्न ले लेते हैं, देखो ऑफ रोडिंग पैच यहाँ पर आ गया है, ये देखो सस्पेंशन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है यार, मतलब फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विद एंटी रोल बार, रियर में आपको नाइट्रॉक शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। 6000 RPM तक भी आप अगर गियर चेंज कर रहे हो ना इसके, तो आपको काफ़ी बढ़िया पावर ये बाइक डिलीवर करके देने वाली है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसके हॉर्न की, तो हॉर्न तो यार देखो काफ़ी बढ़िया लगता है, हॉर्न बहुत ही इसका यूनिक है और जो काफ़ी टाइम से आ रहा है वही सेम दिया हुआ है। हैंडल बार की बात करें तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको मिल जाते हैं, जो पल्सर 220 की पहचान है या पल्सर सीरीज़ की पहचान रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के हैंडल बार। एंड के कंक्लूजन के लिए भी बने रहना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार इन द ईयर 2023 इस बाइक में पैसा डालना वर्थ इट रहने वाला है कि नहीं, सारी बातें करेंगे। अब अगर नेक्स्ट बात करें कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, इंडियन रोड्स पर टकराने जैसा आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा, सफिशियंट है। सीट हाइट मिल जाती है 795 mm की, तो जिनकी हाइट 5'5 है, 5'5 से लेकर 6'6'2 तक सब इजीली इस बाइक को चला सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर डिज़ाइन की बात करें ना, तो आज की तारीख में जो स्पोर्ट्स बाइक आ रही है, बहुत ही एग्रेसिव एंड बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस के साथ बाइक को लॉन्च कर रहे हैं, बट ये बाइक कहीं ना कहीं अब अनकॉमन भी रहने वाली है, बिकॉज डिसकंटिन्यू कर दी थी, फिर से रीलॉन्च कर दी है, तो कहीं ना कहीं आप इस बाइक को लोगे तो स्टैंड आउट तो रहोगे, बिकॉज हर कोई इस बाइक को जानता है। और ये फुल्ली फेयर्ड बाइक नहीं, मतलब अगर आप मास्क के नीचे देखते हो ना, तो इंजन वगैरह सब ओपन है, बस नीचे इंजन काउल दे दिया है, तो ये हाफ फेयर्ड बाइक है, जो कि बहुत कम है इंडियन सेगमेंट में। एक करिश्मा आती थी, करिश्मा ZMR भी फुल फेयर्ड हो गई थी, तो वैसे बहुत कम बाइक से जो इस सेगमेंट में आती है। अब ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं, पहले दोनों ब्रेक टेस्ट करता हूँ, पीछे कोई भी नहीं आ रहा है। सो ABS सिंगल चैनल मिलता है, ब्रेकिंग देखते हैं अब इसकी लगी क्या, लगी क्या, पिलियन पूरा मेरे ऊपर आ गया, इतने खतरनाक मैंने ब्रेक टेस्ट करे उसको पता भी नहीं था। सो यार देखो ब्रेक एक और बार दिखाता हूँ मैं आपको इसकी ब्रेकिंग बाइट, ये देखो जगह पे रुक रही है यार बाइक। अगर फ्रंट ब्रेकिंग बाइट की बात करें तो फ्रंट सही है, रियर भी एक बार चेक करते हैं, रियर ठीक ठाक है यार, मतलब रियर कुछ खास नहीं लगा, लीन करके दिखाता हूँ आपको। ब्रेकिंग थोड़ी इफेक्टिव और हो सकती थी, बट जो कंट्रोलिंग करने का मज़ा है ना, वैसे तो है गाड़ी बहुत बल्की, बट जब आप इसको सिटी में चला के ले जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं कहीं ना कहीं एक नेकेड बाइक ही चला रहा हूँ। ये देखो आप डिज़ाइन, जो इसकी डिज़ाइन है, 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइसिंग की, तो जैसा कि मैंने बताया 1,64,000 रुपीज़ ज़रूर है, बट अगर आप देखोगे ना पल्सर की N160 जो 160cc की बाइक है, उसी की ऑन रोड प्राइस आपको 1,60,000 रुपये तक चली जाती है। मतलब कंपनी का बिल्कुल भी ऐसा मोटिव नहीं है कि यार इस बाइक को प्रमोट करें या फिर किसी कंपिटिटर से कंपेयर करें, बिकॉज पल्सर ने ऑलरेडी इसे डिसकंटिन्यू करने के लिए RS 200 निकाल दी थी 5-6 साल पहले, उसके बाद
पल्सर F250 भी निकाल ली थी। तो यार देखो, इस बाइक को लाने के पीछे रीज़न ही आप सब लोग हैं, आप सब लोग, मैं पर्सनली या जितने लोग रहते हैं जाके यही बोलते हैं शोरूम पे, यार 220 अवेलेबल है क्या। तो कहीं ना कहीं ये बातें कंपनी ने भी सुनी है कि यार हर किसी की डिमांड ही 220 है, तो क्यों ना इसे रीलॉन्च कर दिया जाए। ज़्यादा कुछ भी फ्यूचरिस्टिक फीचर नहीं दिए, जैसी है वैसी नए एमिशन नॉर्म्स के साथ इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया है कि यार जिन्हें लेना है उनको जाकर ले सकते हो आप, बाकी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि कंपनी फिर से डिसकंटिन्यू कर देगी, अब रीलॉन्च करिए तो सोच समझ के ही करिए। इसके यूनिट्स आती रहेगी, जो 220 के लिए टू फैन बेस है, जिन लोगों की ड्रीम बाइक ही है ये, यही बाइक लेना है तो वो तो इस बाइक के लिए जाएंगे। बट यार जो वीडियो लोग अभी यहाँ तक देख रहे हैं वो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, जो 2010, 12, 15 मॉडल भी यूज़ करते हो, आज कितना माइलेज दे रही है, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये बाइक कैसी क्या फील होती है। पुरानी बाइक्स में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती थी, बट आज भी इस बाइक में पूरी मेटल यहाँ पर यूज़ करा गया है। 160 kg का वेट है, उसी से आप इसकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइक इतनी छोटी छोटी एरियाज़ में से आप इस बाइक को ईजिली निकाल सकते हो। अब जहाँ क्वेश्चन आता है, शुड यू बाई दिस बाइक और नॉट, अब देखो 160,000 से 170,000 में इंडियन मार्केट में बहुत कम फेयरिंग बाइक से जो आपको अवेलेबल रहेगी, जिसमें से एक पल्सर 220F है। और पल्सर या बजाज की बाइक्स देखोगे ना, बजाज की बाइक्स की प्राइसिंग पहले से ही बहुत कम रही है, भले ही वो नेकेड बाइक्स हो या फिर फुल फेयर्ड बाइक हो। तो अगर आप नेकेड बाइक चाह रहे हो तो फॉर श्योर आपको इससे बेटर फ्यूचरिस्टिक फीचर्स, पावर ज़्यादा एंड ज़्यादा माइलेज वाले ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट जिसकी ड्रीम बाइक ही थी ना, वो कभी कॉम्पिटिटर से कंपेयर नहीं करेगा। आज से लेके 5 साल पहले भी जिसने सपना देखा हो कि यार मुझे यही बाइक लेना है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि यार मेरे को क्या फीचर बाकी बाइक से कम ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप इस बाइक को लेना चाहते हो तो यार फॉर श्योर ले लो, ऐसी कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली है आपको, तो फिर तो किसी से कंपेयर करके मतलब ही नहीं। ब्रेकिंग बता दी, पावर बता दी, रैव हैप्पी इंजन है, चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। एंड पल्सर की बाइक्स, पल्सर 220, 150 ऐसी बाइक्स है ना जो आप 10 साल बाद भी देखोगे ना, तो वैसी की वैसी कंडीशन में आपको देखने को मिलने वाली है। सो यार ओवरऑल सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है गाइस, अब वीडियो को भी एंड करते हैं। टर्निंग रेडियस थोड़ा कम है, ये बात मैं बताना चाहूँगा, वहाँ भी मैंने आगे टर्न ली थी। सो गाइस मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।